हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक कद्दू की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो मैं कद्दू के डंठल और पत्ते के साथ बनाऊंगी। तो मैं आ चुकी हूं मेरी छोटी सी किचन गार्डन में, तो यहीं से मैं कद्दू के जो डंठल है और पत्ते है तोड़ लूंगी। तो उम्मीद करती हूं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और रेसिपी भी पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं कद्दू के जो डंठल है और पत्ते है ये सब तोड़ लूंगी। तो चलिए मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहिएगा। और बहुत सारे कद्दू के जो डंठल है वो लगे हुए हैं और कद्दू के फल भी आए हैं। तो जो आगे वाला हिस्सा है पत्ते के साथ वो काटूंगी, क्योंकि वही टेस्टी लगती है। तो चलिए काट लेती हूँ देख देख कर। और देखिए इस तरह से कुछ मैंने काटा है। और इसके पत्ते जो है, पत्ते भी मैं कुछ तोड़ लूँगी, क्योंकि पत्ते का जो पकौड़ा है वो बनाऊँगी। तो वो भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देख सकते हैं बहुत सारे मैंने काट लिया है इस तरह से डंठल। तो चलिए कुछ पत्ते भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये पत्ते तो मैं डंठल की सब्ज़ी के साथ ही दूँगी। तो चलिए पत्ते भी तोड़ लेती हूँ पकौड़ा बनाने के लिए। तो चलिए और देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने काट लिया है। और अपने हाथों से लगाए हुए पत्ते और डंठल खाऊंगी आज कद्दू के। तो बहुत ही अच्छा लगता है अपने हाथों से उगाए हुए सब्ज़ी खाने में। और देख सकते हैं यहाँ भिंडी, बीन्स ये भी लगे हैं, और छोटे छोटे टमाटर जो है वो भी लगा हुआ है। तो चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ जो व्हाइट मस्टर्ड है वो पीस लूँगी, क्योंकि ये सरसों के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ मैं दो हरी मिर्च के साथ ये जो सरसों है ये पीस लूँगी अच्छी तरह से। और पत्ते को भी मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ करके काट लिया है। तो चलिए पहले ये पीस लेती हूँ, उसके बाद मैं शुरू करूँगी बनाना। तो मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहिएगा। और कद्दू के डंठल के साथ मैं दूंगी थोड़े से झींगे और ये बैंगन। मैंने झींगे को और बैंगन को दोनों को ही लंबा लंबा साइज में काट लिया है। और देख सकते हैं ये जो डंठल है ये भी मैंने काट लिया है पत्ते के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ। और सबसे पहले मैं कढ़ाई में ले रही हूँ सरसों का तेल, और उसके बाद मैं इसमें कलौंजी फोड़न दे रही हूँ। और इसके बाद जो बैंगन और झींगे है वो अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लूँगी, उसके बाद मैं पत्ते को डालूँगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग तो वैसे भी ये रेसिपी खा ही चुके होंगे, लेकिन इस तरह से एक बार बना के खाइएगा, आप लोगों को उम्मीद करती हूँ बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए बना लेती हूँ। थोड़ा सा बैंगन फ्राई होने के बाद मैं इसमें जो झींगा है वो भी डाल रही हूँ, और अच्छी तरह से दोनों को मिक्स कर लूँगी। और थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ, और अच्छी तरह से मिक्स करके मैं ढक लूँगी।
ताकि थोड़ा सा बैगन और जो झींगा है इससे जो पानी है वो निकल आए। तो चलिए और एक एक करके मैं मसाला ऐड करूँगी। तो यहाँ मैं हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा शुगर मैं ऐड करूँगी। तो चलिए सारे मसाले को ऐड करके मैं मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद ढक्कन लगा लूँगी थोड़ी देर के लिए। और देख सकते हैं झींगा और बैंगन बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है मसाला के साथ। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ जो डंठल और पत्ते हैं, ये अच्छी तरह से मैं डाल लूँगी और थोड़ा सा ऊपर से चुटकी भर नमक दे दूँगी क्योंकि मैंने पहले भी नमक ऐड किया है। तो चुटकी भर नमक दे दूँगी ताकि जो ये पत्ते हैं ये अच्छी तरह से गल जाए और जो सब्जी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो चलिए अच्छी तरह से मिक्स करके मैं ढक्कन लगा लूँगी। और थोड़ा सा मैंने यहाँ देख सकते हैं लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। तो चलिए ढक ढक कर मैं इसे पका ले लूँगी। और इधर मैं जो पकौड़ा है उसके बनाने के लिए मैंने यहाँ देख सकते हैं पत्ती को भी अच्छी तरह से धो लिया है और मैं साथ में ले रही हूँ यहाँ बेसन और थोड़ा सा मैं चावल का आटा ऐड करूँगी। और इसमें मैं बेसन में थोड़ा सा हल्दी, नमक और कलौंजी देकर थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी पानी के साथ और एक पेस्ट बना लूँगी। और जो पत्ते हैं उसको भी मैं अच्छी तरह से काट लूँगी छोटे छोटे करके। तो चलिए काट लेती हूँ। और देख सकते हैं मैंने इस तरह से काट कर मिक्स कर लिया है और अभी मैं हाथ से ही अच्छी तरह से बेसन के साथ मिक्स कर लूँगी और पकौड़ा तल लूँगी। और देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है बेसन के साथ और बहुत ही अच्छी तरह से पत्ते के साथ मिक्स हो जाते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए अभी इसे भी फ्राई कर लेती हूँ। और इधर जो डंठल का सब्जी है ये भी देखिए पानी अच्छी तरह से सूख गया है। तो इस टाइम पर मैं इस यहाँ जो सरसों का पेस्ट है वो डाल दूँगी और थोड़े से पानी भी ऐड करूँगी। तो चलिए थोड़ा सा पानी ऐड करके ढक ढक कर पका लूँगी। और पकौड़ा तलने के लिए मैंने यहाँ मास्टर ऑयल लिया है और एक एक करके मैं पकौड़ा को तल लूँगी। तो चलिए
और देख सकते हैं ये सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं बोल में निकाल लेती हूँ। और देख सकते हैं ये है कद्दू की डंठल की सब्जी, बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे रेसिपी के साथ, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। और इधर मेरा पकोड़ा भी बन चुका है, और ये भी पकोड़ा आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए निकाल लेती हूँ प्लेट में, और देख सकते हैं पकौड़ा भी मेरा बन चुका है, कितनी अच्छा और क्रिस्पी बना है। तो एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा पत्ते के साथ, बहुत ही अच्छा बनता है। और अभी हम लोग करेंगे लंच। तो हमारे लंच की थाली में है मसूर की दाल, एक भाजी, और साथ में है एक अंडा बॉयल, और ये है कद्दू की पत्ते की पकौड़ा, और साथ में है कद्दू के डंठल की सब्जी। तो यही हमारे आज लंच में बने हुए हैं, और ये प्रॉपर लंच की थाली आप लोगों के साथ आज शेयर करेंगे। चलिए अभी हम लोग कर लेते हैं लंच। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोगों को मेरा ये रेसिपी कैसा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।